आगे बढ़ते हैं, अपनी खबर का रुख करते हैं। विधायक दरोगा ने मांगी रंगदारी और ऑडियो टेप में फंसे शिकारी। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में विधायक पर गंभीर आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश में एक दरोगा पर। इन दोनों के पैसे मांगने की बात फोन पर रिकॉर्ड हुई है। आरोप लगाने वाले लोगों ने फोन पर इनकी रंगदारी की बात रिकॉर्ड कर दी और पुलिस को सौंप दी। पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी विधायक की रंगदारी, जिन पर आरोप है कि इलाके में काम करने की एवज में उन्होंने हर महीने 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। हेलो, हम भिंडई से बोल रहे हैं, विधायक चौहान बोल रहे हैं प्रधान। हाँ बोल रहे हैं। क्या कहें जहाँ विधायक जी ने, क्षमा करो थोड़ा, समा दाऊ खत्म हो गया शनिवार को। समझते हो लोगों को? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, टेलीफोन काटते हो, समझते हो? नहीं 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 विधायक जी, फोन हमारा खराब है, जैसे हम ऑन करा जैसे ऐसा है, तुम जैसे हमने निकाल दिया पेड़ से बांध के मार मार अंदर जरा बजवा दूंगा, सही हो जाएगा, तुम समझे। बीजेपी विधायक का सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क की एवज में हर महीने 4 लाख रुपए। आरोप है किस ऑडियो टेप में जो पैसे मांग रहे हैं वो भिंड के विधायक हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, और जो डर डर के बात कर रहे हैं वो है भिंड के खदान कारोबारी अभिनेंद्र सिंह चौहान। अभी आई नहीं आई, समझता तुम लोगों को? नहीं विधायक जी, कोई बात नहीं है, टेलीफोन काट रहा। नहीं जी, कतई नहीं विधायक जी, जो हमारा एक्सीडेंट, हम आपके पास आ रहे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसमें गिर गया फोन हमारा, हम जैसे 302 में दखल दे ठिकाने आया ही शानदार हिंदू आ गया हमें झूठा कहीं। नहीं विधायक जी, नाराज ना हो, हम जो कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे आपसे। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर लगा है ये गंभीर आरोप। आरोप रंगदारी का, हफ्ता वसूली का। ये ऑडियो सीडी उसी रंगदारी का एक हिस्सा है। क्यों नहीं आए 20 तारीख को? तुम क्यों नहीं टेलीफोन उठाते हो? 20 को दाऊ नहीं खत्म हो गया विधायक जी? दाऊ खत्म हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सुबह आ रहे? हाँ बिल्कुल, फूट पे आ गए थे हम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फूट पे हमारा एक्सीडेंट हो गया विधायक जी। हमारा एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, तुम समझते हो यार लोग बस रहे भिंड में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है विधायक जी, हम तो आप ये लगा नहीं 302 मिनट में। नहीं नहीं विधायक जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहा बताएं, आपके पास होते तो हम आपके पास ही आ रहे हैं, हम यहाँ पे 20 तारीख तुम क्या गए तो क्यों नहीं तुमने पैसे भिजवाए? तो बिल्कुल हमसे गलती, हम स्वीकार कर रहे हैं, कहते रहे विधायक जी हो गए, तब पैसे भिजवा रहे हो? हम बिल्कुल आ रहे हैं, आज आपके पास ही आ रहे हैं विधायक जी। ठीक है आइए। आरोप लगाने वाले हैं अभिनेंद्र सिंह, जिनके पास रेत खदानों का ठेका है। अभिनेंद्र सिंह का आरोप है कि विधायक नरेंद्र सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी। सबूत के तौर पर अभिनेंद्र इस ऑडियो टेप को सामने रख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, टेलीफोन काटते हो, समझते हो? नहीं 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 विधायक जी, फोन हमारा खराब है, जैसे हम ऑन करा जैसे ऐसा है, तुम जैसे हमने निकाल दिया पेड़ से बांध के मार मार अंदर जरा बजवा दूंगा, सही हो जाएगा, तुम समझे? अभी आई नहीं आई, समझता तुम लोगों को? नहीं विधायक जी, कोई बात नहीं है, टेलीफोन काट रहा। नहीं जी, कतई नहीं विधायक जी, जो हमारा कतई नहीं, कतई नहीं, हमारा एक्सीडेंट, हम आपके पास आ रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसमें गिर गया फोन हमारा, हम जैसे 302 में दखल दे ठिकाने आया ही शानदार हिंदू आ गया हमें झूठा कहीं। नहीं विधायक जी, नाराज ना हो, हम जो कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे आपसे। हमने इस ऑडियो टेप की सत्यता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अभिनेंद्र का कहना है कि ये विधायक की ही आवाज है और वो पैसे मांग रहे हैं। नंदल एसोसिएट्स, जिनके नाम पे भिंड तहसील के सारे ठेके थे, जिनमें पूजा जगमौली, अतशुमा कराचार कराने, उनसे हमने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में ली थी अगस्त में, चलाना शुरू की। चलाने की तत्काल बाद जो है विधायक का फोन हमारे पास आया, हुआ आप हमारे संपर्क में आए, तो हमने कोई बात होगी आए विधायक से, हमने बताई विधायक क्या बात है, और हम किस तरह तुम्हारी खदानें नहीं चल पाएंगी, और हमने बताई विधायक कैसी क्या चलेंगी क्या करनी चाहिए, तो हमसे ये कहा कि 4 लाख रुपया महीने आपसे हमें चाहिए, बिना इससे सुविधा शुल्क के बोले हम आपको नहीं चलाएंगे किसी की। अभिनेंद्र का आरोप है कि नरेंद्र सिंह ने काम करने के एवज में हर महीने 4 लाख रुपए देने को कहा। नरेंद्र सिंह ने कुछ महीने तक पैसा दिया भी, लेकिन जब वो पैसा नहीं दे पाए तो नरेंद्र सिंह ने उन्हें धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। तो हम लोगों ने एक महीने जैसे तैसे करके 4 लाख रुपए दिए, फिर दूसरे महीने कुछ हम लेट हो गए,
20 तारीख हर महीने की 20 तारीख की तय रहती थी कि 20 तारीख में 4 लाख रुपया जाना चाहिए। तो उसमें कुछ थोड़े लेट हो गए तो उन्होंने फ़ोन करने कर उनका सीधा कहा, फिर भी हम लोगों ने भेजे तैसे करके किया उनका, वरना तीसरे महीने फिर हम और भी लेट हो गए, 25 तारीख हुई हम लोगों को 20 की बजाय, फिर उन्होंने जो हमारे साथ बहुत अलग व्यवहार किया। सिर्फ यही नहीं, अभिनेंद्र ने यह भी कहा कि नरेंद्र सिंह ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, लेकिन नरेंद्र सिंह खुद पर लगे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। धमकी वगैरह दी? हाँ, धमकी दी उन्होंने, रुपया नहीं, अगर हमारे पास टाइम से आएगा तो हम आपको 300 फर्जी मुकदमे फंसवा देंगे और क्या कहते हैं आपको खदाने नहीं चलाने देंगे, वो हंटर से मारेंगे बंधवा के, और बोले हम आपको यूपी से भगा देंगे, यहाँ से भगा देंगे आपको यूपी। क्या धमका भी रहते, जान से मरने की धमकी रहती क्या? हाँ बिल्कुल, जान से मर, 300 में हमारे, मेरे पास तो जब मेरा लेन देन था वो मेरे पास कोई लेन देन का सवाल ही नहीं, दिए होंगे तो उन लोगों को दिए जिनके पैसे हैं।